हेलो दोस्तों, आज के छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गए जिसको देखने के बाद आपको बहुत हेल्पफुल होगी और बहुत ही मददगार होगी। देर ना करके चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला टिप्स मेरा ये है पालक को लेकर है। देखिए, अक्सर हम जो पालक लाते हैं, साग लगते हैं बहुत मात्रा में, तो इस तरह की पॉलीथीन में लेकर आते और पॉलीथीन में ही फ्रिज में डाल देते, तो उसमें क्या होता है ना, ये पालक 2-3 दिन के बाद हमारा ख़राब हो जाता है और पिघल जाता है जैसे होता है। तो क्या करेंगे, इस पालक को हम अच्छे से पॉलीथीन से निकाल देंगे और धोएंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, इसको एक साथ करेंगे और करने के बाद एक ले आएंगे ये सादा पेपर। अगर आपके पास न्यूज़पेपर है वो भी आप ले सकते हैं। तो न्यूज़पेपर में हम इस पालक को, कोई भी सब्जी हो जैसे लीपी वेजिटेबल्स होता है हमारी, साग वगैरह, तो इसको इसे इसको इस पेपर में अच्छे से इसको रखेंगे और इसके ऊपर एक रबर बैंड को टाई कर देंगे, यानी कि ये पेपर खुलेगा नहीं। ये मेरे पास सफ़ेद वाला पेपर था इसलिए मैंने रखा। आपके पास न्यूज़पेपर है तो आप न्यूज़पेपर पर इस तरह से साग को रखिए, साग हमारी बहुत दिनों तक रहेगी, और इस तरह से रैपर में, जिप वाले रैपर में रखिए, फ्रिज में डाल दीजिए, कुछ भी ख़राब नहीं होगा। एक बार साग लाएंगे 4-5 दिन तक रह जाएगी और पालक की साग तो बिल्कुल पिघलेगा नहीं। टिप्स नंबर 1। 2 है मेरा टिप्स नंबर, ये है मेरे फ़ोन। यहाँ पे मैं अपने फ़ोन को ले आई। आप सभी के पास स्मार्टफोन होता है, तो स्मार्टफोन को हम क्या करेंगे, उसके नीचे हम कवर भी डालते हैं, कवर लगाते हैं। बिना कवर के हम लोग फ़ोन तो इस्तेमाल करते नहीं, तो इस तरह के स्ट्रॉन्ग वाले कवर लगाते हैं और तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के कवर लगते हैं। यहाँ पे मैं अपनी फ़ोन की कवर निकाल रही हूँ और इस कवर में देखिए, ये मैंने पैसे ले आई, पैसे इस कवर में डाल दी। अक्सर क्या होता है दोस्तों, हमारे पास जब हम बाहर जाते हैं कभी कभी हमारे वॉलेट भूल जाते हैं और हमारे जो ऑनलाइन पैसे भी नहीं होता है, तो क्या करते हैं अक्सर हम ये कुछ पैसे हम फ़ोन के नीचे रख देंगे, जो कभी कभी हमारे बहुत मदद होती है, बाहर कुछ खरीदना होता है, कुछ करना होता है इमरजेंसी में, ये फ़ोन के पीछे हम पैसे निकाल के हमारी वो इमरजेंसी का काम निपटा सकते हैं। और थर्ड वाले टिप्स मेरी ये देखिए ग्राइंडर है, मिक्सी ग्राइंडर है। अक्सर हमारे मिक्सी ग्राइंडर इतना गंदा होता है कि मानो कि हम बहुत ही बुरा लगता है जब हम किचन में काम करते हैं। तो देखिए मिक्सी का ग्राइंडर कितना ख़राब हुआ है, तो यहाँ पे मैं मिक्सी की ग्राइंडर ले आई और देखिए उसके ऊपर कितना काला हो गया है। और यहाँ पे एक कटोरी भी ले आई, उससे पहले कि मैंने एक विटामिन सी की टैबलेट भी निकाल ली। और यहाँ पे एक कटोरी में देखिए छोटे छोटे हमारे जो रुई होती है, रुई को हम छोटे छोटे बॉल्स करके इस कटोरी में डाल रहे हैं, जितना ज़्यादा रुई हो उतना ही अच्छा हो। तो ये बहुत ही यूनिक टिप्स है, इस टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। किचन में काम करने के टाइम में बहुत दिक्कत होती है, स्पेशली हमारी मिक्सी की जार जब गंदा होता है उसमें काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे कटोरी में रख ली और ले आई जो मैंने जो विटामिन सी की टैबलेट को निकाली थी, 2 टैबलेट में यहाँ पे लेके इसको ये पाउडर बना ली, थोड़ा दरदरा वाला पाउडर इसको बना ली। पाउडर की काम हम बहुत ही अच्छे से करेंगे। देखिए मिक्सी की ये मिक्सी ले आई और मिक्सी के ऊपर ये पाउडर को, जो टैबलेट की पाउडर को अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ, यह इसकी काम बहुत ही अच्छे से हम करेंगे। तो यहाँ पे और एक कटोरी ले आई और कटोरी में टूथपेस्ट, जो भी टूथपेस्ट आपके पास है, और यहाँ पे जो हमारी क्लोरीन वाली फर्श साफ करने वाली, फ्लोर साफ करने वाली जो लिक्विड होती है उसमें क्लोरीन होती है, बहुत ही अच्छा होता है, इसको हम अच्छे से ये पेस्ट के साथ मिला लेंगे और इसके ऊपर हम सारे रुई को डाल देंगे। ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगे और लाइक दे दीजिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे डाल दी। अक्सर छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से हमें बहुत ही आसानी होती है, बहुत किचन का काम, घर का काम सब फटाफट हो जाता है। तो देखिए, और इसके बाद में यहाँ पे ब्लू कलर की हारपिक डाल दी, जो टॉयलेट साफ करते हैं हम लोग, इस सबको अच्छे से हम रुई के ऊपर डाल देते। तो इस हारपिक की जो बाउल को हम साइड में रखेंगे, हाथ में एक जो हमारे पॉलीथीन बांधेंगे, नहीं तो ग्लोव्स है तो आप लगा सकते हैं। देखिए वही जो मिक्सी है उसके ऊपर जो गंदा हुआ था हम टैबलेट डाले थे उसी के ऊपर हम ये डाल देते हैं, ये सारे रुई हमारे जो ये हारपिक वाली रुई और टूथपेस्ट वाली रुई को अच्छे से हम फैला के रख देते हैं। और इसको हम देखिए, इसको हम रखेंगे 10 से 15 मिनट, ज़्यादा हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा एक टिप्स है जो फटाफट काम हो जाएगी। और मिक्सी की जार साफ, मिक्सी साफ करने में बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत ही परेशान होते हैं देखिए। और इसके ऊपर मैंने
अच्छे से घिस लिया इसका जो बॉडी पार्ट है, और ये अंदर का पार्ट में एक टूथपिक लेके टूथपिक से घिस रही हूँ। हाथ मत लगाइए क्योंकि इसमें क्लोरीन है जो हमारे फ्लोर साफ करने में लिक्विड है, हमारे अक्सर हमारे हाथ जल जाते हैं उसमें, उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोरीन है। देखिए हम टूथपिक से धीरे धीरे, अगर बड़ा वाला स्टिक है तो ग्लोव्स पहनने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना गंदा, जो काला काला गंदा था ये हमारी ब्लू कलर की रुई बिल्कुल काला बन चुका है। स्टिक की मदद से इसलिए करते हैं कि रुई को हम जब घिसेंगे तो कोने कोने से जो काला काला दाग है, जो गंदगी है, वो आराम से निकल आएगी, और ये गंदगी को अच्छे से फुला के बिल्कुल साफ करके निकाल देती है। देखिए कितना साफ हो गया हमारी ये मिक्सी। अक्सर घर में इस तरह से होता है, मिक्सी का प्रॉब्लम, बहुत ही गंदगी होती है। और देखिए रुई बिल्कुल काला पड़ चुका था, सारे गंदगी ये खींच चुका था, तो इसको मैं निकाल दी। और उस ग्लोव्स के ऊपर मैं यहाँ पे एक जुराब पहन ली, जो सॉक्स होती है, सॉक्स से तो बहुत काम होती है। पुराने सॉक्स को पहनने से, सॉक्स थोड़ा मोटा वाला कपड़ा होता है, तो इसको अच्छे से हम साफ कर लेंगे हाथ घुसा के। देखिए कुछ भी करना नहीं पड़ा, 10-15 मिनट में हमारी जो गंदगी वाली मिक्सी हो, जो मिक्सी का मशीन है, अच्छे से साफ हो गया। कितने अच्छे से ये साफ़ हो गया आप बिलीव नहीं करोगी, काफ़ी हद तक ये साफ़ हो चुका है। अब नेक्स्ट काम करने में मिक्सी में बहुत ही अच्छा लगेगा, और गंदगी नहीं है देखिए। और सादे कपड़े से मैं साफ़ कर ली, एक कपड़े से, बीच में थोड़ा पानी, यो जुराब के सॉक्स को पानी में डिप करके इसको साफ़ कर लीजिए। देखिए मिक्सी हमारा बिल्कुल चकाचक हो गया। आज की वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगे, एक लाइक दे दीजिए, इसमें तो कोई पैसा नहीं लगता है, थम्सअप बटन नीचे है उसको दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट अच्छे मज़ेदार टिप्स एंड ट्रिक्स से, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय।